Hello students, today we are going to discuss our 7th class Punjabi subject and today we will discuss our 14th chapter Azadi da Sukh. So vidyarthiyo sab to pehla te sanu sab nu eh pata hai ki azadi da matlab ki hai. Azadi da matlab eh hai ki sanu kisi vi assi kisi vi rok tok to ilawa bina kisi di rok tok to assi apni ichha de naal jo saadi marzi hai assi mann mutabik jo karna chahunde assi kar sakde hai. Te kyunki assi bharat desh de नागरिक हाँ सो साडा लोकतंत्री देश होने करके सानू पूरी की पूरी आजादी है कि असी किते भी रह सकते हैं किते भी जा सकते हैं कुछ भी खा सकते हैं पी सकते हैं असी कोई भी अपना काम कार रुजगार किते भी जाके भारत में प्राप्त कर सकते हैं. सो ये तो गल हुई इंसानों की आजादी की बट जे अं गल करिए कि सिर्फ आजादी इंसानों तो नहीं इंसानों के नाल नाल कुदरत द्वारा पैदा किए हुए बाकी जीव जंतु पशु पंछी जानवरों भी उन्नी ही आजादी का हक है जिन्ना इंसानों. सो सानू सारियां नू जिहड़ी आ अपनी आजादी नू मानदिया होया दूसरियां दी आजादी की जिहड़ी उलंघना नहीं करनी चाहिए. जे असी खुद आजाद रहना चाहते हैं तो सानू दूसरियां दी आजादी का भी सतिकार करना चाहिए वा. सो साडा जिहड़ा अज दा चैप्टर आ वह भी इस चीज़ से बेस्ड आ कि सानू किस तरह दूसरों जी आजादी जी देनी चाहिए आ कि आजादी का सुख हुंदा की आ सानू उसनू किवें मानना चाहिए तो दूसरों की आजादी की सानू किवें जी इज्जत करनी चाहिए है. सो सब तो पहले असं चैप्टर रीड करांगे दैन असं समझ की कोशिश करांगे कि चैप्टर के दिता गया है. पिंटू एक पिंड रहिंदा सी. एक दिन वह इकला ही घरों बाहर घूमने लिए निकलिया. घूमता घूमता वह खेतों में चला गया. जब वह एक बुढ़े बोहड़ को लंघ रहा सी तां उसके कन्नां विच टैं टैं की आवाज़ आई. वह चौकन्ना हो गया. चौकन्ना हो गया ना मतलब सावधान हो जाना. जो पिंटू जिहड़ा अपने घरों बाहर निकल के जाता है तो उस तो की आ पुराने बोहड़ के जिहड़े आ दरख्त कोलों की आ उसनों एक कुछ आवाज़ा जिहड़ियां आउंदियां ने. बोहड़ के नेड़े आके पिंटू ने वेख्या तोते ने दो नन्ने नन्ने बच्चे बोहड़ की एक खोड़ विच्चों कुछ बाहर आके लाल रंग दियां चुंझां खोल के टैं टैं कर रहे सन. पिंटू सोचन लगा किन्ना चंगा होवे जे मैं इन्हां विच्चों एक नूं पकड़ के घर लै चलना बड़ा मज़ा आया करेगा. फिर पिंटू दे मन विच सवाल पैदा होया मेरे घर विच तां पिंजरा ही नहीं है बच्चा ले जा के की करांगा. पहला चां तां अज ही पिंजरा खरीदा तो फिर उस विच बच्चे नूं बंद कर लवांगा. तोते दे बच्चे तो मेरे लिए घड़े दियां मच्छियां ने जद चाह खोड़ विच हाथ पा के उन्होंने पकड़ लवांगा नाले अजे तो यह कई दिन तक उड ही नहीं सकते. इस तरह दियां सोचा सोचता होया वह घर मुड़िया तो आंदा ही मम्मी नूं पिंजरा लियाउण लई आखन लगा पर मम्मी ने उसकी यह मंग पूरी ना की. शाम में जदों वह उसके घर पापा आए तो पिंटू ने पापा कोल भी उही मंग दोहराई. पहला तो पापा भी मम्मी का साथ देने लगे पर फिर बेटे दे प्यार अगे झुक के उसनू बाजारों पिंजरा ले पिंजरा दिवाउण लई चले गए. मम्मी नू इह कुछ चंगा ना लगा. वह कहन लगे तुसी पिंटू दियां नजायज मंगा मंगा मन के उसनू बिगाड़ रहे हो. मैं पिंजरा खरीदण दे हक विच नहीं हाँ. नजायज का अर्थ हुंदा वा बेकार वादू दियां फालतू दियां जिहड़ियां मंगा हुंदियां ने. पर पापा पिंटू नू लैके बाजार चल पए. अद्धे घंटे तो बाद वह पापा नाल आया तो उसके हथ विच एक पिंजरा सी. दूजे दिन स्कूलों छुट्टी सी. सवेर हुंदिया सार ही पिंटू घरों इकला ही बाहर निकल गया तो सीधा उस बोहड़ विच बोहड़ वल जाण लगा जिसकी खोड़ विच तोते दे बच्चे सन. कुछ ही चिर पिछों तेज कदम पुटता होया पिंटू बोहड़ कोल गया अते एक बच्चा खोड़ विचों कढ़ के लैके आ गया. पिंटू दे तोते दे बच्चे नूं पिंजरे विच बंद कर लिया. सो हुण की करता है पिंटू की करता वा कि अपने पेरेंट्स कोलों जिहड़ा वा पिंजरे की मंग करता वा. मम्मी दे ना मनन के बावजूद ही जिहड़े उहदे पापा ने उसनूं की आ पिंजरा दिला दिंदे ने. ते अगले दिन की करता वा पिंटू जल्दी जल्दी जाके पिंजरे दे बोहड़ दे खोड़ विचों जिहड़ा एक तोते दा बड़ा बच्चा चुक लैंदा ते उहनूं पिंजरे विच पा के बंद करके अपने घरे लै आउंदा वा. पिंटू ने तोते दे बच्चे नूं पिंजरे विच बंद कर दिता. पिंटू पिंजरे नूं चुक के कदे इधर जांदा ते कदे उधर जांदा. उसने बोर्ड का नाम गंगू रखा सी. गंगू हौली हौली वड्डा होण लगा. एक दिन पिंटू ने नाना जी आए. पिंटू फटाफट छत ते गया तो उत्थे पिया पिंजरा चुक के नाना जी को लै आया. देखो नाना जी मेरा गंगू पिंटू ने कहा.
नाना जी ने वेख्या गंगू बहुत उदास बैठा सी। नानी जी पिंटू नू बहुत प्यार नाल समझाउण लगे, देख पिंटू किसी भी जीव नू कैदी बनाउणा चंगा नहीं हुंदा। मनुख तां की पशु पंछी भी गुलाम रहना पसंद नहीं करते, इसलिए तू इस नू छड के आ। पिंटू ने नाह विच सिर हिला दिता। नानी जी फिर बोले, अच्छा जे मैं तैनू 100 रुपया देवां तां इहनू छड देवेंगा? नानी जी ने सवाल किया। नानी जी तुसी तां 100 रुपए की गल करते हो, मम्मी तां 500 रुपए देने की गल कह चुके हैं। मैनू कोई 1000 रुपया भी देवे तां भी मैं गंगू नू छड्डण लई तैयार नहीं, इह तां मेरे घर की शान है। मेरे बहुत प्यारे बहुत सारे मित्र रोज़ इसनू वेखण ते इहदे नाल खेडण लई इत्थे आउंदे हन, पिंटू ने पिंजरा घुमाउंदिआं होइआं कहा। एक दिन पिंटू स्कूल गया होया सी, आखिरी पीरियड वेले ओह आखिरी बैंच ते बैठा होया सी, उसनू नींद आ गई। जदों छुट्टी होया एक घंटा बीत गया ते पिंटू दी मम्मी नू चिंता होण लग पई। जदों उन्हां दे सबर दा प्याला छलक गया, सबर दा प्याला छलकण दा मतलब हुंदा है कि जदों मतलब उन्हां तों रिहा ना गया, मतलब जदों उन्हां दा सबर दा अंत हो गया, फिर की होया तो उसने उन्हां ने पिंटू दे पापा नू फोन ते सारी गल दसी। पिंटू दे पापा दफ्तर तों घर आ गए, पिंटू दी भाल विच फोन खड़कण लग पए। पिंटू दे पापा ने पिंटू दी मम्मी नू पुछया, कितने तू पिंटू नू झिड़कता नहीं दिता? झिड़कण दा अर्थ हुंदा वा गुस्से होना, गुस्से होके किधरे भज ते नहीं गया होवे। नहीं इह गल तां मैं आप तुहाडे कोल पुछना चाहुंदी सी कि किधरे कोई बोल बुलारा तुहाडे नाल तां नहीं होया? मम्मी ने पुछया। बोल बुलारे दा अर्थ हुंदा वा बहस करनी, झगड़ा होना, ठीक है। सो बोल बुलारे दा अर्थ हुंदा झगड़ा। पिंटू दा जमाती कह रहा सी कि अद्धी छुट्टी वेले उसने पिंटू दोवां नू रोटी इकट्ठियां खाधी सी। पंकज कह रहा सी अज ओह मेरे नाल बहुत नहीं खेडिया, काफ़ी सुस्त जिहा दिखाई दे रहा सी। सुस्त दा अर्थ हुंदा थोड़ा ढिल्ला रहना। कोई कुछ कह रहा सी जिन्ने मूँह उन्नियां गल्लां, पर अजे तक पिंटू दी कोई उग सुग नहीं सी मिल रही। उग हुंदा कोई भी, उग सुग हुंदा मतलब हुंदा खबर मिलना। पलां छिना मतलब कुछ ही मिनटां सेकिंडां विच ही सारे सके संबंधियों नूं पुछया गया। पिंटू दी मम्मी दी चिंता वध ही जा रही सी, उहनां दे मन विच बुरे ख्याल आउण लगे। पापा तीरज दे रहे सन, तीरज हुंदा हौसला देना, सो तीरज दा अर्थ हुंदा वा हौसला देना, ठीक है। शाम पैण लगी तां मम्मी पापा थाने रिपोर्ट लिखवाउण लई जाण लगे। सो इदां की होया कि एक दिन पिंटू जिहड़ा वा स्कूल विच जांदा वा, ते उस दिन की हुंदा लास्ट पीरियड दे विच उहदे की आ नींद आउणी स्टार्ट हो जांदी है, ते नींद दे दौरान उह की आ स्कूल नूं छुट्टी हो जांदी है, बट उह की कमरे दे विच लॉक हो जांदा वा, ठीक है, स्कूल दे विच जिहड़ा लॉक हो जांदा वा। घरदिआं नूं फिकर हुंदी आ, घर दे जिहड़े इधर उधर फोन करदे ने, बट कितों वी खबर ना मिलण दी कारण की आ उहनां नूं आखिरकार जिहड़े शाम नूं थाने रिपोर्ट करवाउण लई जाणा पैंदा है। उधर जदों पिंड दा एक किसान सज्जन अपने खेतों घरां नूं आ रहा सी, ते स्कूल कोलों लंघदिआं उस नूं किसे बच्चे दे जोर नाल रोण दी आवाज़ सुनी। उस दा मत्था ठणकिआ, मत्था ठणकण दा मतलब हुंदा शक होणा। उह स्कूल दी कंध टप के अंदर गिआ, उस दा डर सच्चा निकलिआ। उसने वेख्या कि कोई बच्चा स्कूल दे कमरे विच बंद पिआ सी, ते बारी खोल के उस राहीं चीकदा होइआ आख रिहा सी, मम्मी जी पापा जी। सज्जन नूं अपने नेड़े आया देख के पिंटू दे साह विच साह आया। उसने रोंदे हुए सज्जन नूं दस्या कि उह अपनी जमात विच पिछले बैंच ते बैठा सी, उस नूं पता ही नहीं लग्या कि कदों उस नूं नींद आ गई ते कदों छुट्टी हो गई। ना ही उस नूं इह पता लगा कि स्कूल दा चौकीदार कदों दरवाजे नूं ताला लगा के चलिया गया है। कोई गल नहीं बेटा, मैं तेरे पापा नूं चंगी तरह जानदा हाँ, हुणे उहनां नूं बुला के लिआउंदा हाँ, तू चिंता ना कर। चौकीदार नूं बुला के ताला खुलवा लैंदे हाँ, हुणे घबर दा मतलब हुंदा है कि घबराउणा नहीं चाहीदा, ठीक है। सज्जन उस नूं तीरज दे के उस दे पापा कोल जाण लगा। उधर पिंटू दी मम्मी जदों थाने रिपोर्ट लिखाउण लई जा रहे सन, तां सज्जन उहनां नूं राह विच ही टक्कर गिआ मतलब मिल पिआ, अते कहिण लगा तुहाडा लड़का स्कूल दे कमरे विच बंद पिआ ते रो रिहा है, मैं हुणे उस नूं मिल के आया। कि स्कूल दे कमरे विच बंद पिआ, उस नूं किसने बंद कीता? पापा ने गुस्से विच पुछिआ। फिर उन्होंने अपने स्कूटर ते उस नूं पिछे बिठाया ते स्कूल वाल तेजी नाल जाण लगे। पापा ने पिंटू नूं वेख के तरवास मिलिआ, तरवास मतलब हौसला मिलिआ।
उसके पापा ने स्कूल विचों ही प्रिंसीपल नाल मोबाइल ते गल कीती। उन्हां नूं अगों चौकीदार बिरजू नूं फोन ते झटपट स्कूल विच पहुंचण दी हिदायत कर दित्ती ते खुद भी स्कूल पहुंच गए। हिदायत दा अर्थ हुंदा है कि कहना कि चुनौती देना जां फिर कह सकदे हुक्म देना। हिदायत दा अर्थ हुंदा है हुक्म देना। कुछ ही समय बाद बिरजू अपने बेटे दे स्कूटर पिछे बैठ के स्कूल विच आया। जदों उसनू सारी घटना का पता लगा तो उसने सारियां कोल इस गलती लई माफ़ी मंगी। उसने कहा कि उसकी बीमार पत्नी ने नूं उसने शहर विच हस्पताल लैके जाना सी, इसलिए काली काली विच उस स्कूल का हर कमरा चैक नहीं सी कर सकिया। पिंडू नूं कमरे विच बाहर कढ़िया गया तो उसनू सब नूं सुख का साह आया। शुक्र है सज्जन जी का जिन्हां ने खेतों आउंदिआं बच्चे दीआं आवाज़ां सुन लईआं सन, नहीं तो पता नहीं की पाणा वापरदा। पाणे दा अर्थ हुंदा घटना। जिहड़े होए लोग आख रहे सन, मिंटू दे मम्मी पापा सज्जन दा धन्नवाद करदे नहीं सी थक रहे। तद तक मिंटू नूं घबराहट दूर हो गई सी, उह सहज हालत विच आ गया सी। उसने उस दिन तोते नूं आजाद कर दिता। उह कह रिहा सी कि सानूं किसी दी आजादी खोण दा हक नहीं है। सो विद्यार्थियों, सानूं इस चैप्टर तो यही इसके सिक्ख्या मिलती है कि असी एक दिन जे कमरे दे विच लॉक हो जाने हैं तो सानू जिहड़ी आ साडी दुनिया जिहड़ी थम्मी होई जी महसूस हुंदी आ कि सानू लगदा वा कि साडा जिहड़ी जिंदगी खत्म हो गई आ। इस करके सानू की करना चाहिए, सानू कदे भी जानवरां नू पंछू पंछियां नू जिहड़ी इस तरह पिंजरे दे विच बंद करके नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जे सानू आजादी मानने का हक है तो उन्होंने भी पूरी की पूरी आजादी मानने का पूरा पूरा हक है। सो सानू सब की जिहड़ी आजादी की जिहड़ी आ कदर करनी चाहिए। थैंक यू।